हम वन कप ऑफ टी और सामने ये जो है वैली ट्रैकर के नाम से, ठीक है। अच्छा, हमारे लिए इजाज़त ये है कि हम इससे पार नहीं जा सकते, सिर्फ यहाँ तक रह सकते हैं। तीन और चार, आप वाला पांच, दो छोटे बच्चे हैं। जी जी डर है कि वापसी में हमें कोई परेशानी ना हो। हाँ, ऊपर ठीक हो गया, ऊपर ठीक है, सड़क साफ, गाड़ी चली जाएगी सही। थोड़ा सा ऑफ रोड है और आगे जो है हमें जो है यहाँ पे होटल वगैरह इजीली मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा जो व्यू उधर का है, ये पहाड़ की उस तरफ जो इलाका बेहतरीन उधर का है, उसके मुकाबले में ये हमारा कश्मीर कुछ भी नहीं है। तो पूरा वहाँ तक जो है ये पूरा इंडिया के कब्ज़े में है, ये पूरा एरिया वो सामने भी देख सकते हैं, वो इंडिया लिखा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर है। और वहाँ पे माशाल्लाह से अजान की आवाज़ अभी आ रही है, अगर आप गौर से सुने तो। जो है ऐसा लगता है कि लैंडस्लाइडिंग हुई है, क्योंकि आधा रोड बना हुआ है सामने, सामने देखें तो आधा रोड बना हुआ है, और काफ़ी पीछे तो काफ़ी अच्छा ट्रैक था हमें मिला था, और यहाँ भी कुछ शायद लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई है जिसकी वजह से ये रोड जो है ना वो टूट फूट गया है थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो है एंट्री करवानी है तो आर्मी की चेक पोस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है एंट्री वगैरह करवाते हैं अपने NIC और ले जाते हैं उनके पास। अरे अल्लाह, इससे पहले भी हमने एंट्री करवा चुके हैं एक दो जगह पे, और अभी यहाँ पे भी एंट्री करवाते हैं। कितने सारे टोटल? पांच। छोटे बड़े समेत? जी, छोटे समेत दो छोटे बच्चे हैं, सात हो गए यहाँ पे। जी जी, कहाँ तक जाना है? बस इधर तक आना है। जी जी, एक वेलकम नंबर दे दो किसी का, आपके भाई वाले साहब दोस्त या किसी रिश्तेदार का। 0341 28 14 558। ये भी कर लें शुक्रिया जी। अच्छा जी, हाँ आपका ऊपर ले लें कि नीचे ले लें? ऊपर लेते हैं, ठंड तो होगी, गुजारा करेंगे। कहाँ पे? अच्छा, वहाँ से चलें। इसी एंट्री हुई है, आर्मी ने की है हमारी, कार्ड्स वगैरह लिए हैं, NIC वगैरह लिए हैं, इसके बाद अब कोशिश कर रहे हैं वो टॉप पर जा सकें, ताकि वहाँ से जो है इंडिया की जो है यहाँ पे LOC भी नज़र आता है। देखें जी, व्यू पॉइंट देखें यहाँ से कितना खूबसूरत है। बर्फ़बारी यहाँ पे हुई है, काफ़ी डेज़ हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर आज को कल में ना हुई तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और इसका जो ट्रैक है ये देखें यार, बहुत ही ज़बरदस्त हाइट पे अभी हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ से वैली और नीलम जो रिवर है वो, और वहाँ पे इस तरफ जो इंडिया का है आई थिंक
इंडिया के हैं, बॉर्डर का है, LOC है, और आस्ता आस्ता भी हम ऊपर जा रहे हैं हाइट पे। टेम्परेचर कितना हो गया अली भाई? 13। यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले बारिश हुई है, लेकिन इसके छोटे छोटे अभी भी आसार नज़र आ रहे हैं, और दुआ है कि ये कल रात, आज रात भी ना हो, और जो है ट्रैक इसी तरह जो है बिल्कुल ठीक हो ट्रैक भी। ट्रैक तो सही है फिलहाल, ऐसा सच कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से जो पानी की आबशार आ रही है थोड़ी सी मड है, मिट्टी वाली है, फ्रेश पानी नहीं है वो। हमारी गाड़ी फंस गई सामने से, जो है 4x4 आ रही है, 4 व्हील। ये यहाँ पे अक्सर चलती हैं जब ज़्यादा ऑफ रोड ट्रैक होगा तो उसमें चलती हैं ये। आगे बर्फ ना फंस जाएंगे, देखा है आगे का ट्रैक देखा थे। सिर्फ यही है, सिर्फ यहीं तक है, आगे भी है ऊपर इसी तरह रोड। अच्छा हाँ, ऊपर ठीक है, सही। मुझे तो ये नांगे पर्वत लग रहा है शायद, और ये हम यहाँ नीचे से आए हैं, अभी आस्ता आस्ता ऊपर जा रहे हैं। ट्रैक तो फिलहाल अच्छा लग रहा है यहाँ से, और डर है कि वापसी में हमें कोई परेशानी ना हो। आरन बजा तुम्हारा, ऊपर होटल मिल जाएगा ना अली भाई? बहुत सारे होटल हैं ऊपर, फिर यही ट्रैक थोड़ा बहुत मसला है ना। अभी हम जो है केरन शहर से होके यहाँ पे ऊपर आए हैं हाइट पे, और यहाँ का ट्रैक थोड़ा सा वो है, ऑफ रोड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बर्फ़ गिरी हुई है और थोड़ा सा एहतियातन चलाना पड़ रहा है। ये देखें जी, यहाँ का ट्रैक थोड़ा सा ऑफ रोड है, और आगे जो है हमें जो है यहाँ पे होटल वगैरह इजीली मिल सकते हैं। वो सामने देखें, बहुत ही शदीद बर्फ़बारी यहाँ पे हुई हुई है। यहाँ पे गेस्ट हाउसेस बहुत से हैं, और होटल्स तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में हैं यहाँ पे। काफ़ी ऊपर आते जा रहे हैं हम, वहाँ से काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे मंज़र देखने को मिल रहा है। ग्रीनरी इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे जो है वो बर्फ़ गिरी हुई है, और ये अच्छा व्यू पॉइंट हो सकता है। और मज़ीद देखेंगे, अली भाई को इन्फॉर्मेशन है पहले से, और वो पहले यहाँ पे आ चुके हैं। ये है ग्रीन विलेज रिजोर्ट, जो है इनसे बात करते हैं और देखते हैं होटल रूम हैं भी या नहीं। हर जगह घूम सकते बच्चे हैं, खुली जगह ना भी सही है। ये आपका एरिया यहाँ तक है, आगे भी है, ये सारा इसका है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी यहाँ सारा रास्ता है। अच्छा, ये सामने नांगा पर्वत है? नहीं सर, ये कौन सी है फिर पीक? ये वैसे लोकल है। अच्छा, लोकल है, पहाड़ है, सही। तो 4 साल पहले आया था मैं इधर। अच्छा, 2 रात गुजार के गया था। क्या कहते हो? सही है, वो रिसेप्शन पे हो जाएगा, मैं बाइक बुलाता हूं। हां, बुला के लाओ। अच्छा, ये रूम यही वाला मिलेगा? सारे रूम मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे। अच्छा, अंदाजन तो बताएं यहाँ का, इस रूम का क्या होगा?
अंदाज़ा ये बता दें, और वो सामने वाला जो है वो भी ठंड है ना ज्यादा। अच्छा उसमें ज्यादा ठंड लग जाती है जी। सही ये सामने क्या है ये उस तरफ? अच्छा ओके पॉइंट कश्मीर इंडिया है। सही इसके ऊपर भी फ्लोर है जी सर। हाँ देखने आए हैं। और जी ठीक हो वल्लो? फंसी की बाथरूम है हैं? अच्छा थोड़ा सा उस तरफ वाला पॉइंट है या नहीं? ये इसी तरह यही है एक पीछे उस तरफ बाथरूम है। अच्छा सही सही सही। एक कमरा और वॉशरूम। कैसा किताब है अंकल? कैसा किताब? एक कमरा रखना आपने? हाँ एक ही कमरा है। हो जाएगा साहब? वो तो हो जाएगा। कितने क्या चार्ज? 2500। ये पूरा वहाँ तक है वो भी है इसमें? हाँ यही है। अच्छा दो कमरे हैं आपके पास? दो ये छः और चार पांच कमरे उधर हैं। अच्छा वो भी थोड़ा काम से वो याद सीजन होता है ना इसमें थोड़ा पानी वगैरह। हाँ हो जाता है पानी हो जाता है या है? वाईफाई तो मेरा लेट नहीं है मेरा वाईफाई वो तारे टूटी हुई वरना हार के एक के पास अभी इधर जो होटल में लगा हुआ है मगर कहते हैं बस ही चलेगा मगर वो गलत बयान है क्योंकि तारे वो नीचे पड़ी हुई रोड में। अच्छा पानी गर्म सही आएगा? हमारे पास जितनी भी है ना सारी वो कराची की फैमिली आती है इस्लामाबाद से आती है तो वो ये मेरा आज का गेस्ट हाउस नहीं है ये बिस्मिल्लाह गेस्ट हाउस है सबसे पुराना गेस्ट हाउस अब्र नीलम का ये सोचे 20 साल हो गए इसको समझे उस हिसाब से तो अल्लाह का शुक्र है सिस्टम है अभी जो है इधर क्योंकि वो हमने ठीक हमारे पास जो लगी हुई हमारी फैमिली है ना वो खाना पीने का खाने पीने का ये नीचे बड़ा होटल है हमारा बस बाजार नीचे तो चढ़ना उतरना मुसीबत है ना। नहीं नहीं ये नीचे है ना इधर नीचे वो जो मर्जी है चाय बनवा लें खाना बनवा लें। खाने में क्या क्या होता है? कढ़ाई हो सकती है बिरयानी वगैरह खाएंगे पुलाव वो बन जाएगा तो बस वो बंदों के हिसाब से है ना जिस तरह कोई बनवाए। अच्छा सही सही ये है ना ये एक सेपरेट रूम है। अच्छा फैमिली के ना हाँ हाँ तो बस आजकल काम नहीं है इसलिए 2500 वरना ये 7-8 हज़ार रुपये रेट होती है। बताऊँ ना जो व्यू उधर का है ये पहाड़ की उस तरफ जो इलाका बेहतरीन उधर का है उसके मुकाबले में ये हमारा कश्मीर कुछ भी नहीं है। अच्छा रोडें बेहतरीन उधर मुल्क बेहतरीन ये पहाड़ के पीछे चीज़ें सस्ती पता नहीं वो एक बंदा वो उधर से कश्मीरी आया हुआ था ना उसने बोला भाई पता नहीं ये जो चावल का तोड़ा है ना एक मन का वो उधर मेरे हाल 300-400 का मिलता है। अच्छा 300-400 का बड़ी बात है समझो तो इधर 400 के 2 किलो मिलते हैं 2 किलो वो कहते हैं हम वो शापर में कभी नहीं लाते किस तरह जिस तरह हम शापर में लाते हैं ना सौदा वो नहीं लाते
उस तरह थैलों के साथ बोरियों के साथ लाते। ठीक है ठीक, ये चीज़ होती है सही है। अच्छा वो ऊपर भी बने हुए यार, वो देखो भाई फाइनल कह रहा है ना भाई, फाइनल खेलेंगे ऊपर आसमान को भी देखो, पहले फाइनल तो हो जाएगा। क्या कहते हो, कमरे नीचे लेते हैं ठीक है। हम वन कप ऑफ टी और सामने ये है पाकिस्तान और जो मकबूज़ा कश्मीर है जो इंडिया की सरपरस्ती में है इस वक्त, उसका व्यू है सामने और उनके सामने हम जो है ये चाय पी रहे हैं जिसकी का अलग ही मज़ा है। कड़क चाय बनाई है इन्होंने, यहाँ के कश्मीरी लोकल भाई हैं इस रेस्टोरेंट में, उन्होंने ये चाय बनाई है तो थोड़ी कड़क चाय है, बेहतरीन है। मौसम इस वक्त काफ़ी अच्छा है और ठंड फ़िलहाल मुझे नहीं लग रही, बाकी लग रही होगी ऑब्वियसली, माइनस में यहाँ पे रात में होगा, अभी होगा कोई 5 डिग्री होगा ऑलमोस्ट, डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हमने फैसला ये किया है कि हम जो है यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे जो है रिज़ोर्ट वगैरह लेंगे, क्योंकि जिस तरह ये क्लाउडी मौसम इस वक्त हुआ हुआ है इसकी वजह से पॉसिबल है कि ऊपर जो है बर्फ़बारी हो सकती है। ये अली भाई का बहुत अच्छा डिसीजन था जो उन्होंने कहा है और मैं एग्री करता हूँ कि उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि ये हमारा अच्छा डिसीजन होगा और हमें जो यहाँ पे जो बेनिफिट ये है कि हमें ये लाइन ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है, इस तरफ ही खूबसूरत सी बर्फ़बारी आपको नज़र आ रही है और इस बर्फ़बारी में जो व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। पॉसिबल है कि वहाँ पे मुझे टॉप पे जो है ना बादल टकराते हुए नज़र आ रहे हैं ये जगह पे सेंटर में, और इस तरफ जो मौसम है वो भी कुछ ऐसा है, तो शदीद बर्फ़बारी पॉसिबल है कि शदीद बर्फ़बारी हो सकती है। तो हम वहाँ नीचे ही रिज़ोर्ट्स वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं, चाय वगैरह के हैं, बाकी इसके अलावा जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं तो कोशिश करेंगे नीचे जो जाके हम अपना जो है ना नाइट गुजारें यहाँ पे। जो है वैली ट्रैकर के नाम से हॉस्टल है और हम वहाँ टॉप तक गए थे, वो सामने नज़र आ रहा है वहाँ तक गए थे और सामने वही मकबूज़ा कश्मीर, यहाँ से देखते हैं रिसेप्शन पे जाके और इनके क्या रेट्स वगैरह हैं। वैसे ट्रैक थोड़ा सही है इनका, थोड़ा इजी है और बाकी तो बहुत ट्रैक बहुत वो थे जो हम तय नहीं कर पाते अगर इन केस अगर बारिश हो जाती है, तो ये ट्रैक काफ़ी ज़बरदस्त है। इस वक्त इनके दो नज़र आ रहे हैं रिसेप्ट पे ये और यहाँ पे ये, तो आगे इनका मेरे ख्याल में वहाँ से पॉइंट भी होगा जाने का, दोनों देखते हैं और बात करते हैं इनसे क्या कहते हैं ये लोग। यार चार हैं सही है बाहर पार्किंग वगैरह सब कुछ ये साथ में पानी वगैरह जा सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं पानी वाली साइड पे जा सकते हैं, रास्ते के किनारे पे जा सकते हैं। अच्छा रास्ते में सब कुछ है, नीचे वो लगी हुई है तार लगी है, अच्छा मस्त बना हुआ है और तीन बेड, ये मैट्रेस हो गया, ये मैट्रेस हो गया सही है। और ये बोले हीटर का क्या बोल रहे थे, हीटर अलग से चार्ज होगा, गैस वाला मिलेगा आपको, वो जैसे वो तो नहीं होगा बच्चे होंगे साथ में ऐसा ना हो, वो जब सोएंगे तो बंद करेंगे ना, जो आप रात को जब सोएंगे तो निकाल के बाहर रखना है वो। अच्छा वॉशरूम कौन सा है, अच्छा ये वाला है इंग्लिश सही, उस तरफ नहीं खाली है ये वाले, तो हमने सामने वाले खाली और दो लगे, अच्छा वो दो लगे हैं, ये कह रहे हैं ये दो वाले खाली हैं।
अच्छा उस तरह के हैं ये तो। अच्छा इसमें क्या क्या होगा? नेट वो फ्री सर्विस नेट की होती है, इलेक्ट्रिक गीजर लगा हुआ है, वाईफाई हो गया, गीजर हो गया, गर्म पानी मिलेगा, मतलब नॉर्मल आता रहता है या कहीं गर्म होता है? जब लगा रहता है ना नॉर्मल ही होता है, गीजर के टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन टाइम लगता है यहाँ पानी गर्म होता है क्योंकि बिजली एक तो वोल्टेज कम होता है, दूसरा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अच्छा थोड़ा टाइम लेता है, दो तीन घंटे लेता है, आधा घंटे 20 मिनट पहले चला लो ना जी। ना अभी आप चेक इन करेंगे तो चला देंगे, वो चेकआउट भी बंद होता है। सही, यहाँ का व्यू अच्छा है सामने, और वैसे इनके पास जो है बोनफायर, फिशिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, पेंटबॉल एक्टिविटी, प्रोफेशनल क्रू, पैराग्लाइडिंग, मोटर ग्लाइडिंग, वीआईपी लून, वाह, मिनी बार, कलर टीवी विद केबल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, बिजनेस सेंटर। तो ये व्यू तो बहुत अच्छा है, होटल की लोकेशन भी अच्छी है, सामने 4x4 जो है जीप्स खड़ी हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत इस वक्त जो है मौसम है। ये वाली लोकेशन यहाँ से आती है क्या? ये वाली लोकेशन जो है आपने लगाई हुई है, ये यहाँ से बैठ के इस तरफ वाली है, इस तरफ वाली है, इस तरफ वाली। अच्छा चले जी, यहाँ से चेक इन करते हैं, इस होटल में चेक इन करते हैं, और प्राइस सही है, ठीक है 4.5, क्योंकि इस वक्त टूरिस्ट आज बहुत कम है यहाँ पे, और जो इजीली जो है यहाँ पे हमें मिल जाए बहुत अच्छे रेट से, इनके ज़्यादा भी ओवर नहीं है, ओवर रेटेड भी नहीं है, ऊपर ओवर रेटेड थे और फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ पे टूरिस्ट भी ज़्यादा हैं तो अच्छी जगह है। आपको कुछ होटल के, ये सामने होटल है हमारा, और बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है पार्किंग और इनसाइड है, आपने वीडियो में देखा। इसके अलावा जो है मैं सोच रहा हूँ कि सामने ऑपोजिट वाली साइड पे जाऊँ, यहाँ पे जो है सामने देख रहे हैं वो ये देखें, इंडिया के कुछ लड़के हैं, और वो जो है क्या कहते हैं उसको, चिड़ी चक्का, हम तो चिड़ी चक्का बोलते हैं, आप लोग बताइए क्या कहते हो, वो है। और इसके अलावा पूरा जो देखा जाए तो यहाँ से लेके किरण वैली तक हम गए थे, तो पूरा वहाँ तक जो है ये पूरा इंडिया के कब्ज़े में है, ये पूरा एरिया वो सामने भी देख सकते हैं, वो इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा हमारे लिए इजाज़त ये है कि हम इससे पार नहीं जा सकते, सिर्फ यहाँ तक रह सकते हैं, और ये सेंटर में जो है ये नीलम वैली है, इंडिया के एरिया कोई है भी नहीं बंद थे। हाँ अभी मैंने देखा तो कोई टेबल टेनिस खेलने आया था बस, अब बच्चे खेल रहे थे, और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे थे ना चीज़ें, तो डिफरेंट होनी। अच्छा जी उस तरफ जो है ना कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है, और वहाँ पे माशाल्लाह से अजान की आवाज़ अभी आ रही है, अगर आप गौर से सुने तो। माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा खूबसूरत मंज़र है, इस वक्त शाम के 5:30-6 बज रहे होंगे, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे। खाना आ गया हमारा, और ट्राई करते हैं कैसा है टेस्ट। हॉल पे उन्होंने लगा तो दिया है फैमिली ने। अच्छा जी आ जाओ, इसमें क्या क्या है, दाल है, अच्छा चिकन कढ़ाई है, और रोटियां हमने, और रोटियां हैं और वो हमने मंगाई थी, ट्राई करते हैं। किचन तो अच्छा है इन लोगों का, वो उस तरफ जो है लाइव सब कुछ तैयार हो रहा है किचन में, और इस तरह ये फैमिली हॉल है पूरा, बहुत अच्छा जो है मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी यहाँ पे ना ये कढ़ाई है और दाल माश है, तो ये ट्राई करते हैं कैसा है टेस्ट। बिस्मिल्लाह रहमान।
फिलहाल गर्मा गर्म है, इसमें से जो है ना ये धुएँ निकल रहे हैं। ये ऑर्डर हमने इन्हीं को बोल दिया था, तो उन्हीं के किचन में आए हैं और यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा चलें बाहर नहीं जाते फिलहाल, यहाँ पे किरण साइड पे ना काफ़ी ठंड है, तो यहीं पे इनके किचन में ही कर लेते हैं। जायका है मखनी जैसे आ रहा है, मखनी आंटी नहीं होती उसका टेस्ट आ रहा है, लेकिन है कढ़ाई। ग्रेवी हमने खुद ही ज़्यादा बोली थी कि ज़्यादा बना देना। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर मेरा चैनल में ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हों तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।